सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप थ्री बेस्ट लैपटॉप की, जो कि आप 70,000 के प्राइस रेंज में परचेज कर सकते हो। कोई भी आपकी कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, तो स्किप आउट मत करना, कहने का मतलब ठीक है पूरी वीडियो देख लेना, बिकॉज आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें बताऊंगा वीडियो के बीच में, ठीक है उसको स्किप आउट मत कर लेना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पे यार मैंने रखा है 2-in-1 लैपटॉप को। तो सबसे पहले बता दूँ भाई, अगर आपको एक टच स्क्रीन लैपटॉप चाहिए, 2-in-1 लैपटॉप चाहिए इतने प्राइस रेंज में, मतलब अंडर 70,000 ना, ये लैपटॉप स्पेसिफिकेशन अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि ये लैपटॉप वैसे बेस्ट किसके लिए हो सकता है। ठीक है, अगर आप एनिमेशन करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, अगर आप कार्टून ड्रॉ करते हो, अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है, तो या फिर अगर आपको टच स्क्रीन लैपटॉप चाहिए, टैब प्लस अगर आपको लैपटॉप चाहिए, 2-in-1 लैपटॉप चाहिए, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बेस्ट डील होने वाला। आप इस लैपटॉप को चेकआउट जरूर करना यार। मैं बात करूँ डेल इंस्पायरन 7415 की, ठीक है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको 4 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, टच डिस्प्ले है जिसको आप 360 डिग्री ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद AMD राइजन 5 देखने को मिलेगा 5500U के साथ। ठीक है, 5th जनरेशन आपको प्रोसेसर मिल जाता है, तगड़ा प्रोसेसर है। एंड अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ ना i5 11th जनरेशन के साथ, तो इसकी परफॉर्मेंस सच में तगड़ी होने वाली है। ठीक है, AMD Radeon ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि Intel Iris Xe ग्राफिक कार्ड से बहुत ही ज़्यादा सही है। तो भी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको ग्राफिक के रिलेटेड काम करना पड़ता है, तो आपके लिए भी बेस्ट डील होने वाली है। 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो 2-in-1 लैपटॉप में ना, कई लैपटॉप में आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी 32GB तक का रैम को अपग्रेड कर सकते हो। 512GB आपको NVMe SSD देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 मिल जाएगी, प्लस MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। तो भाई अगर आपको ऑफिस के रिलेटेड भी ये लैपटॉप चाहिए ना, MS ऑफिस पे काम करना है, प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, आप सभी के लिए ये बेस्ट होने वाला। पोर्ट्स आपको सभी पोर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको USB पोर्ट मिल जाती है, HDMI पोर्ट मिल जाती है, 3.5mm जैक भी मिल जाता है, प्लस आपको SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिल जाता है, प्लस आपको एक्टिव पेन इस लैपटॉप के साथ में मिल जाता है। तो यार कई लैपटॉप में आपको एक्टिव पेन नहीं मिलता, वो आपको 2-in-1 लैपटॉप दे देते हैं, लेकिन आपको एक्टिव पेन नहीं देते, जो कि सच में माइनस पॉइंट होता है। लेकिन इस लैपटॉप में आपको एक्टिव पेन भी साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। ठीक है, 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है डेल इंस्पायरन 7415 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया डेल इंस्पायरन 7415 के। तो भी अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है ना, तो भी आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए, प्रेजेंटेशन रेडी करना चाहते हो, उसके साथ साथ भी अगर आपको हल्की गेमिंग भी करनी है ना, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, साथ में आपको थोड़ी सी गेमिंग भी करनी है, करवा देगा, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आपने जैसे यूज़ करना है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, कोई लोडेड फाइल पे काम करना है, प्लस अगर आपको 2-in-1 लैपटॉप चाहिए, सच में पैसा वसूल है, एंड आपको अंडर 70,000 देखने को मिल जाता है। जो बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था, एक बार चेकआउट जरूर करना डेल इंस्पायरन को। ठीक है, तो अभी नंबर टू की बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते, नंबर टू की बात कर लेते हैं। नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पे यार मैंने रखा है MI नोटबुक अल्ट्रा को। तो सबसे पहले बता दूँ, इसको नंबर टू पर रखने का ना एक रीज़न है, क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। ठीक है, डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 3K रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। तो यार ये मेन रीज़न है इसको नंबर टू पर रखने का, बिकॉज इसकी डिस्प्ले बेस्ट है। तो भाई अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, कॉलर ड्रॉ पे काम करना चाहते हो ना, तो वो कलर ग्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस होगा ना, इसकी डिस्प्ले में बहुत बेस्ट होने वाला है, बिकॉज ये 3K आपको रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। i5 11th जनरेशन के साथ प्रोसेसर मिल जाता है, 16GB रैम मिल जाती है, ठीक है, 16GB रैम मिल जाएगी, लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, 512GB आपको SSD देखने को मिल जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 मिल जाती है, प्लस आपको 2019 वर्जन MS ऑफिस मिल जाता है, Intel Iris Xe ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, ऑडियो जैक वगैरह हर एक चीज मिल जाती है, फिंगरप्रिंट मिल जाता है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है, 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो भाई अगर आपको बिग बैटरी लैपटॉप भी चाहिए ना, तब भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको 12 आवर्स की बैटरी बैकअप मिल जाती है, जो
कि और लैपटॉप में नहीं देखने को मिलती। वाईफाई 6 की स्पोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ की आपको स्पोर्ट मिल जाती है। 1 kg 700 ग्राम इसका वेट है। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ ना तो आपको 64,999 के प्राइस रेंज में अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है MI नोटबुक अल्ट्रा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक अल्ट्रा के, तो भी अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है तो भी आप जा सकते हो। अगर आपको बिग बैटरी लैपटॉप चाहिए आपके लिए बेस्ट होने वाला है, प्लस भी अगर आपको कलर ग्रेडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए या फिर अगर आपको डिस्प्ले बेस्ट चाहिए ना आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है। एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको 16 GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रख लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो एडिटिंग नहीं करवाएगा, अगर आपने 1080p पर करनी है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने 4K ट्राई करना है ना, ज़्यादा इफेक्ट वगैरह लगाने हैं, ज़्यादा टाइमलाइन वगैरह लगाने हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपने फोटोशॉप यूज़ करना है, अगर आपने कॉरल ड्रॉ यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मली यूज़ कर लोगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट होगा। एंड अगर आपको GTA 5 वगैरह भी खेलनी है, गेमिंग वगैरह भी थोड़ी करनी है, उसके साथ साथ ऑफिस के लिए चाहिए, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, सब कुछ कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पे यार मैंने रखा है लैपटॉप फॉर गेमिंग के लिए, फॉर वीडियो एडिटिंग के लिए। मतलब अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि हीटिंग इशू में ना जाए, आप गेमिंग भी कर सको, आप वीडियो एडिटिंग भी अच्छी तरह से कर सको, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका पेड 70,000 से बहुत कम है तो आप जाना लेनोवो IdeaPad गेमिंग 3 की ओर। लेकिन अगर आप 70,000 से प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो ना तो आप HP Victus की ओर जा सकते हो। ये दोनों लैपटॉप जो है ना आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों लैपटॉप में से जो आपको पसंद आता है आप उसके और जा सकते हो। जो लेनोवो लैपटॉप है ना वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो HP Victus है वो अभी अगस्त में उसकी सेल स्टार्ट हुई है, 2021 मॉडल है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप HP Victus की ओर जाना, एंड आपको डिस्प्ले साइज बड़ा मिल जाता है, एंड HP एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, ठीक है। ज़्यादा डीपली बता सकता हूँ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वीडियो लेंथ इंक्रीज करने का ही वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, वो मैं करना नहीं चाहता, और कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, रिकमेंड मैंने आपको लैपटॉप कर दिया। अगर आपका बेटा 60,000 है अपर नहीं जा सकते तो लेनोवो IdeaPad गेमिंग 3 आपके लिए बेस्ट है। एंड अगर आप 70,000 के प्राइस रेंज से थोड़ा सा अपर जा सकते हो, HP Victus की और आप जा सकते हो, चेकआउट कर लेना, दोनों लैपटॉप ऐसा वसूल आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे मैंने जो बाइंग लिंक है ना सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए, अगर आपने चेकआउट करने हैं ये लैपटॉप, अगर आपने परचेज करने या देखने या फोटोज़ देखने या स्पेसिफिकेशन पढ़ने हैं, मतलब जैसे भी आप करना चाहते हो ना आप कर सकते हो। हर एक कैटेगरीज के लिए, हर एक कैटेगरी का मैंने आपको लैपटॉप बता दिया, 2-in-1 लैपटॉप भी बता दिया। एंड गेमिंग डिज़ाइन में अगर आपको लैपटॉप नहीं चाहिए तो मैंने आपको MI नोटबुक अल्ट्रा वी बता दिया, उसके बाद भाई मैंने आपको गेमिंग लैपटॉप भी बता दिया। तो भाई इन तीनों में से जो लैपटॉप आपको सही लगता है भाई आप उस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।